अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है अम्मी कि आप सगाई से पहले लौट आए। वो तो मुझे आना ही था, लेकिन तुम लोग की कोई खैर खबर ही नहीं। अरे इतना सब कुछ हो गया, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुम लोग ने? हम तो परेशान हो गए थे अम्मी। वो तो शुक्र है भाभी का जिन्होंने सब कुछ संभाल लिया, वरना हम और राशिद तो कुछ कर ही नहीं पाते। अरे शिरीन, करने वाला तो अल्लाह है, हम तो बस जरिया हैं। वो ये रिश्ता करवाना चाहता था तो हमें जरिया बना लिया। हमसे जो कुछ हुआ हमने किया, बाकी तो आप जानती हैं ना। हाँ रजिया, हम तुम्हें जानते हैं। अम्मी, अब जो होना था सो हो चुका। आज इस खुशी के मौके पर सब कुछ भुलाकर बच्चों की खुशी में शरीक होने का दिन है। तुम बच्चों की खुशी की ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। उन्हें देखने को दिल बहुत बेचैन कर रहा है, खासकर निकट को। कितनी फिक्र हो रही थी सबको निकट के निकाह की। दिल से दुआ की थी, खुदा ने कबूल कर ली। दुआ तो अयान के लिए भी कबूल हो गई है अम्मी, मगर अभी उसे कुछ बताइएगा मत। क्या नहीं बताना अयान को? ओहो, हम भी भूल गए अम्मी, अब से हम भी 21 बादाम खाया करेंगे हैं भाभी, हमारी याददाश्त तेज हो जाएगी। बताओ ना, क्या नहीं बताना अयान को? आज शाम को सगाई के साथ साथ हम अयान और हुमैरा के रिश्ते का भी ऐलान करने वाले हैं अम्मी। गुड मॉर्निंग मिस फारूकी। मिस जोया फारूकी, आपको क्या लगा मैं आपको जीने दूंगा? सिट ना। थैंक यू। कहा? हाँ गंदा है, मैं करती हूँ। कहा? आपकी आई सर थोड़ी कमजोर है। यहाँ से तो शायरी की जाती है। सफाई करने के लिए जरा तेज तेज हाथ चलाओ, अरे मेहमान आते ही होंगे। रजिया, तुम हर चीज की कितनी मुकम्मल तैयारी करती हो रजिया, लेकिन ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अयान की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे कुछ वक्त दो। जिसकी सगाई का तुम ऐलान करने जा रही हो उसे तो इस बात की खबर तक नहीं है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर आप क्या कहना चाह रही हैं?
कि ये फैसला मैंने अकेले ने किया है? किसी ने भी लिया हो, लेकिन ये तुमने करवाया है। मुझे पता है, बहुत सालों से तुम यही चाहती थी। मेरे अकेले के चाहने से क्या होगा? शीरिन और राशिद भी मान गए। अब वो दोनों माने हैं तो कुछ सोच समझ कर ही माने होंगे। मुझे तो आप हमेशा ही गलत समझती। चलो, मैं तो हूं ही बुरी। मैंने आयान की मर्जी ही नहीं पूछी। पर राशिद मियां और शीरिन तो उसके माँ बाप हैं। वो उसकी मर्जी बगैर जाने उसका रिश्ता कर देंगे क्या? बच्चों के दिल की बात सबको पता है, इसीलिए पूछने की जरूरत ही नहीं है। आयान और हुमेरा साथ बड़े हुए, जाहिर है कि एक दूसरे के लिए लगाव भी होगा उन्हें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयान हुमेरा से निकाह करना चाहता। लेकिन उसके माँ बाप को तो यही लगा। अब अगर आप उसे उसके अम्मे अब्बू से बेहतर जानती हैं, तो फिर भला मैं क्या कहूँ? हाँ, मैं आयान को उसकी अम्मी और अब्बू से बेहतर जानती हूँ, इसलिए मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं मिस्टर खान, मैं आपको तंग करने के लिए थोड़ी यहां खड़ी हूं। मैं तो इसलिए खड़ी हूं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, क्योंकि नजमा कॉलेज गई है और फूफी मार्केट में है। फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। ओके। वैसे मिस फारूकी, गुड जॉब। अगर आप ऐसे ही काम करती रहेंगे तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। If you know what I mean. हाँ, एक और बात। ये कॉफी शायद आपने दिल से नहीं बनाई। नहीं नहीं, मैंने दिल से। कड़वी है। हाँ, मैंने दिल से नहीं बनाई। एक और बनाइए। मैं आयान को उसकी अम्मी और अब्बू से बेहतर जानती हूँ, इसलिए मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। जब दोनों बच्चे तैयार हैं, उनके माँ बाप तैयार हैं, तो आप कैसे रोक सकती हैं? तुम लोग तैयार हो या ना हो, मैं ऐसी किसी भी चीज की इजाजत नहीं दे सकती जिसमें आयान की रजामंदी ना हो। मैं तुम लोगों को उसके ऊपर कोई भी जबरदस्ती फैसला लादने नहीं दूंगी। जबरदस्ती कहीं शामिल होना, जबरदस्ती रिश्ता जोड़ लेना, वो होता है जो आपके बेटे राशिद मियां ने हमारे साथ किया है। शीरिन तो हुमेरा के अब्बू की सिर्फ मुंह बोली बहन है, लेकिन फिर भी हमने राशिद मियां को हमेशा सगे बहनोई का दर्जा दिया। ये तो हुमेरा के अब्बू की फराख दिली है कि उन्होंने राशिद मियां को मिट्टी से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। इतने सालों पाला है हुमेरा के अब्बू ने राशिद मियां को, और आपको आज याद आ रहा है कि जबरदस्ती का रिश्ता क्या होता है? आपको आज ख्याल आया कि बच्चों से उनकी रजामंदी, उनकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए? मैं कुछ नहीं भूली और ना तुम मुझे भूलने दोगी। हमेशा अपना एहसान जताती रहोगी तुम, लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे इस खेल में आयान को तुम्हारा मोहरा नहीं बनने दूंगी। आयान का निकाह वही होगा जहां वो चाहेगा, जिससे वो मोहब्बत करेगा। आयान के निकाह का फैसला ना तुम लोगी ना उसके अम्मी अब्बू, जो तुम्हारे एहसान के तले दबे हुए हैं।